खरगोन जिले में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी जनता के बीच जाकर मतदाताओं को गुहार लगा रहे हैं। उसी कड़ी में आज कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया खरगोन जिले के विधानसभा क्षेत्रों में जाकर सभाएं लेकर जनता को कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं। खरगोन जिले में ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये पहला मौका है जब विधानसभा चुनाव में जनसंपर्क कर रहे हैं। इस दौरान सिंधिया ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए उन्हें कलयुगी मामा बताया। वहीं भाजपा सरकार की नीतियों को लेकर भाजपा पर कटाक्ष वार भी किए। आम सभाओं के दौरान श्री सिंधिया का मानना था कि भाजपा सरकार में न तो बहन बेटियां सुरक्षित है और न ही किसानों को कोई लाभ मिल रहा है, बल्कि उन्हें लूटा ही जा रहा है।